सो है गाइज, वेलकम अगेन। सो मटेरियल वाई की इस वीडियो सीरीज में, लास्ट वीडियो में जो है हमने मटेरियल वाई के अंदर रेडियो बटन के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और एक बार अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गो थ्रू करोगे तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट मिलता है वी चीज़ है रेटिंग। सो आज के इस वीडियो में जो है बेसिकली मैं रेटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो हम ज़्यादा जो है रेटिंग के फीचर्स को अभी नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पे बता रखा विच इज़ रिलेटेड टू स्टाइल। सो जब कभी भी अगर हम स्टाइल को जो है इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे अपने आवश्यकता अनुसार, जो हम अपने स्टाइल को जो है यहाँ पे यूज करेंगे, तो देन जो है हम अगेन इस रेटिंग वगैरह और जो बाकी कुछ और कंसेप्ट हैं जो कि हमें छूट गया है प्रीवियस कुछ वीडियो में, तो उसको जो है कवर करेंगे, राइट। या वो आपको ऑटोमेटिक जो है कवर हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक जो इस चीज़ों को कर सकते हो। सो यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में जो है बेसिक जो हमारा रेटिंग का कंसेप्ट है उसको यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली रेटिंग का यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, तो लेट्स सी, जो मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट या पोस्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है रेटिंग शो कराना है, सो आप वो जो है यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो बेसिकली इन्होंने टाइपोग्राफी एक कंपोनेंट है, आप उसको ऐसा समझो आप उसको टैग पास करोगे H1, H2, लेजेंड, और उसके बेसिस पे बेसिकली पैराग्राफ रिलेटेड आपको टेक्स्ट जो है प्रोवाइड कराएगा। सो ये यहाँ पे इन्होंने यूज किया। सो टाइपोग्राफी भी हमारा बेसिक कंसेप्ट है। सो अगर आप उसको यूज करो या अपना पैराग्राफ H1, तो ये वगैरह जो यूज कर सकते हो, डोंट वरी, वो भी चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मान के चलो यूजर का नेम होगा और देन जो है यूजर ने कितने रेटिंग दिया वो आप जो यहाँ से हैंडल कर सकते हो। और देखो हॉवर करने पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसका लुकिंग जो है थोड़ा अट्रैक्टिव आ रहा है। तो इस तरीके का रेटिंग अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करना है तो आप जो इस रेटिंग कंट्रोल को जो यूज कर सकते हो, रेटिंग जो हमारा कंपोनेंट है इसको यूज कर सकते हो। तो इसको यूज करके देखते हैं और बेसिक जो इसका प्रॉपर्टी है उनको जो यूज करके देखेंगे, राइट। सो आप वीडियो को देखने के बाद जो है एक बार इसके डॉक्यूमेंटेशन को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज जो है समझ में आने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और मटेरियल वाई रेटिंग करके जो एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाए। सो app.js पे आता हूँ और इन कंपोनेंट को मैं हटा के इस समय मटेरियल यूआई रेटिंग जो हमारा कंपोनेंट है उसको मैं कॉल करूँगा, ताकि जो भी हमारा यूआई पे रिफ्लेक्शन हो साथ के साथ दिखे। एक साइड अगेन सेम चीज़ है, एक साइड हम अपने इसको रखते हैं और एक साइड जो है ओके। सो मैंने अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया है, सो npm स्टार्ट। सो एक साइड मेरा प्रोजेक्ट होगा और एक साइड जो है मेरा यूआई होने वाला है। सो इसको मैं लेफ्ट साइड कर देता हूँ। सो अब आते हैं हम इस कंपोनेंट के अंदर। तो अगर हमें सबसे पहले रेटिंग कंपोनेंट को यूज करना है तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कहाँ से हमें करना है, तो जो भी हमने मटेरियल यूआई यूज किया है, सो मटेरियल यूआई के अंदर से जो है हमें ये चीज़ मिलेगा। अभी हमें इंपोर्ट क्या करना है, तो रेटिंग इंपोर्ट करना है। सो आर इज़ द कैपिटल, याद रखना, कोई भी कंपोनेंट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वी चीज़ है कैपिटल, राइट। सो यहाँ पे मैं रेटिंग को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। अगर आप इस रेटिंग को यूज करोगे सो यहाँ पे आपका जो है रेटिंग आ जाएगा। सो जस्ट आप इसको चेक करना, जो आपका यूआई है लेफ्ट साइड में आपका जो है रेटिंग आ जाएगा। अभी आप हैंडल कर सकते हो इसके क्लिक वगैरह को हैंडल कर सकते हो, तो हर एक चीज़ को जो है यहाँ पे इन डिटेल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिक चीज़ें उसको देख लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम आप इससे पहले जो है कोई पैराग्राफ अगर आप ऐसा डाल रहे हो कि यूजर रेटिंग, सो यूजर रेटिंग रहेगा और यहाँ पे जो यूजर का जो भी रेटिंग होगा वो जो है दिखेगा नीचे। सो वो चीज़ें जो है हम देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या क्या हमें जो है बेसिकली प्रॉपर्टी मिलता है वो जो है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मिलता है वैल्यू। सो वैल्यू आप यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हो, अगर अभी आप चेक करोगे, रिफ्रेश करते हो, तो आपको कोई भी वैल्यू जो है नहीं दिख रहा है, राइट। सो वैल्यू जो है हमें पास करना है कि आप कितने स्टार को जो है कितना रेटिंग जो है प्री फिल्ड रखना चाहते हो, पहले से भरा होना चाहिए वो फील्ड। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे रेटिंग अगर 2 डालूंगा, सो हमारा जो 2 फील्ड है रेटिंग के अंदर वो जो है प्री फील्ड होगा। जब कभी भी अगर आप इस पेज पे आओगे या जहाँ पे भी यूज करोगे तो आपका जो 2 रेटिंग है वो प्री फील्ड होगा। सेम उसी तरीके से 3 करोगे तो 3 जो है यहाँ पे प्री फील्ड होगा। कभी भी रेटिंग हम जो है इसमें 5 से अबव नहीं डाल सकते। अगर आप 5 से अबव डालने का कोशिश करोगे तो 5 तक जो है वो प्री फील्ड रहेगा, उसके बाद जो है कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लेट्स जो मैं अभी फिलहाल वैल्यू 2 डालूंगा तो जो हमारा 2 है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेट्स जो ये क्लिक करो और इस पे जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो अभी देखो हमारा वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रहा है। सो वैल्यू अगर आप यहाँ पे पास करोगे तो इस वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऑन क्लिक जो है
नॉट ऑन क्लिक ऑन चेंज इवेंट मिलता है और वहाँ पे जो आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्टेट मैनेज करता हूँ, लेट्स ज़ूम रेटिंग करके जो हमारे पास स्टेट होगा, और माइट भी आप जो इसके टॉगलिंग पे जो है एपीआई कॉल भी कर सकते हो, तो ऑन चेंजेस फंक्शन पे जो है आप वो चीज़ जो है कर सकते हो, राइट। सो सेट रेटिंग नाम का जो है मेरा वो स्टेट के अंदर वैल्यू होगा, राइट। सो यूज स्टेट में यूज कर लूँगा, इसके अंदर हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगा विच इज़ अ रेटिंग जीरो, इस वैल्यू को जो है मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ रेटिंग के अंदर, मतलब इस वैल्यू के अंदर जो है हम पास करेंगे एज अ रेटिंग। सो जीरो हमारा फील्ड है। अब ऑन चेंज, अगर यूजर कहीं पे भी क्लिक कर रहा है तो उसके टाइम पे आपको क्या करना है, तो बेसिकली उस फंक्शन को जो है आप इस रिटर्न के ऊपर लिखो या यहीं पर आप जो यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं उस फंक्शन को जो यहीं पर राइट डाउन कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के पास जो है दो पैरामीटर आएगा, वन इज द इवेंट जो कि हम कभी भी क्लिक करते हैं किसी भी कंपोनेंट पे तो हमें इवेंट मिलता है, और अनदर वन इज द न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू जो वो आपको प्रोवाइड करेगा विच इज अ कम फ्रॉम जीरो टू फाइव, सॉरी जीरो टू फाइव, राइट। सो ये चीज़ जो समझ में आया होगा, और यहाँ पे जो है आप अपना उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। तो सेट रेटिंग करके आपको जो ये मिलेगा मेथड है बेसिकली स्टेट का वो, और यहाँ पे जो भी न्यू वैल्यू आपको मिला है राइट इस पैरामीटर के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ये जो आप फंक्शन लिख रहे हो उसी के अंदर मिल जाएगा। सो ये न्यू वैल्यू को जो हम अपडेट करेंगे, अभी यूजर जिस पे भी क्लिक करेगा वो वैल्यू जो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो आप ये चीज़ें जो चेक कर सकते हो, और इवन अगर आपको अलर्ट करके मैं दिखाऊँ तो आप ये भी चेक कर सकते हो न्यू वैल्यू, तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे, इवन अगर आप अभी आप चेक करो, अगर मैं थ्री पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो वैल्यू है वो थ्री आएगा, राइट। सो ये चीज़ जो समझ में आओगा। सो ऑन चेंज पे जो है आप इस तरीके के एपीआई कॉलिंग या कुछ और कराना तो वो करा सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं यूज करने वाला हूँ विच इज अ डिसेबल। सो अगर आप डिसेबल करोगे तो आप इस पे जो चेंजेस नहीं कर सकते हो, अगर डिसेबल करते हो तो कुछ इस तरीके का लुक एंड फील आएगा। और डिसेबल लाइक ही एक और हमें प्रॉपर्टी मिलता है विच इज अ रीड ओनली। सो अगर आप रीड ओनली करते हो इस कंपोनेंट के अंदर तो क्या होगा, आपको डिसेबल का फील नहीं आएगा जस्ट, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो जो हमारा इनिशियल वैल्यू है विच इज जीरो, अगर मैं इसको थ्री कर दूं तो हमारा जो इनिशियल वैल्यू है वो थ्री आ जाएगा, आई मीन थ्री स्टार जो फिल होगा। अभी आप इस पे जो है चेक करोगे तो आप कहीं पे भी क्लिक नहीं कर पाओगे, रेटिंग को चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन ये डिसेबल का जो लुक है उससे थोड़ा अलग आएगा। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे आपको डिसेबल और कौन से टाइम पे रीड ऑन नहीं करना है। उसके बाद जो है हमारे पास एक और पैरामीटर आता है विच इज अ साइज, और देन जो आप यहाँ पे साइज डिक्लेयर कर सकते हो लार्ज स्मॉल, जो कि आपने ऑलरेडी अदर कंपोनेंट के लिए जो पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग जो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक और हमारा बेसिकली पॉप जाता है विच इज अ प्रिसिजन। सो प्रिसिजन करके जो आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा, और यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो 0.5 का क्या मतलब है, अभी देखो अभी जो आपने वैल्यू डाला था विच इज अ 3, और मैं इसको फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे मान के चलो 3.5 मैंने रेटिंग डाला, राइट, हमारे पास ऐसा कुछ है, तो ये क्या कर रहा है पूरे 4 को जो है मैनेज कर रहा है, आई मीन पूरे 4 को जो है स्टोर करा रहा है। लेकिन जैसे आप प्रिजन में 0.5 डालोगे तो क्या होगा, वो 0.5 का जो है यहाँ पे देखो इसका 50% रखेगा, राइट। तो ये चीज़ जो है समझ में आया होगा। सो कई बार हमें जो इस तरीके का रेटिंग दिखाना होता है तो वो चीज़ें जो है दिखा सकते हैं। एक बार मैं आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलूँगा, कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको सेल्फ ट्राई करना चाहता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो अभी मैंने आपको बताया था विच इज़ अ डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू पास करोगे तो वो कर सकते हो। अगर आप हॉवर पे जो है कुछ इस तरीके का इफेक्ट देना चाहते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे करूँगा रेटिंग तो ओके आएगा, गुड आएगा और एक्सलेंट आएगा, और वन दूंगा तो यूजली टू रेटिंग दूंगा, तो मतलब यहाँ पे इन्होंने हर एक स्टेट के लिए जो है मैनेज किया। तो वो चीज़ इन्होंने कैसे किया वो आपको मैं कोड लेवल पे दिखा देता हूँ। इन्होंने एक लेबल्स नाम का जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन जो आपका गेट लेबल टेक्स्ट का जो है एक इन्होंने फंक्शन बनाया, दो स्टेट मैनेज किया विच इज़ अ वैल्यू और हॉवर। सो हॉवर के केस में क्या किया वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, और बाकी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ से किया। तो एक बार आप इसको खुद भी जो है चेक करके देखना, इसको जो एक बार खुद चेक करके देखना, अगर समझ में नहीं आता डोंट वरी, इन चीज़ों को हम आने वाले टाइम में जो कवर करेंगे। और एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया था विच इज़ अ कस्टमाइजेशन। सो कस्टमाइजेशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, अपने लाइक कमेंट का देखा होगा कुछ बटन, तो ऐसा जो है आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी जो है आपको समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे जो है हम स्टाइल रिलेटेड काम करते हैं, दैट्स वाई जो है मैं अभी ये पिक नहीं कर रहा हूँ, और बाकी ऑलमोस्ट जो है हमने रेटिंग के कंसेप्ट को जो है गो थ्रू कर ही लिया है। सो ऑलमोस्ट जो है हमारा रेटिंग का चीज़ जो है खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है विच इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पे जो है हम फॉर्म रिलेटेड बेसिकली
फील्ड पे काम करेंगे, सो फॉर्म पे जो है हम कैसे काम कर सकते हैं, वो चीज़ें जो है हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसमें अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा जो सेलेक्ट कंपोनेंट है उसके बारे में देखेंगे, और सेलेक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे और भी कंसेप्ट आते हैं तो उसको भी जो है गो थ्रू करते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।